हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ओके, कर्व सरफेस एरिया दे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, मतलब एल दे दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, ओके, एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन गिवन में क्या दिया है वो पहले लिख दीजिए। तो लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन एंड दिस इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मतलब एग्जाम में लिख दीजिएगा CSA, क्योंकि ये शॉर्टकट मैं लिख रहा हूँ। ओके, आप पूरा फुल लिखेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट दे दिया सिलेंट हाइट L, L इज 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस, तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है। वी नो दैट, चूंकि सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल, इट इम्प्लाइज पाई आर एल इज इक्वल टू 308। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। पाई वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर, जो रेडियस है आपको पता है रेडियस कितना है, ये नहीं पता है एक्चुअली, यही तो फाइंड आउट करना है। ओके, एल आपको है 14, ये हो गया इक्वल टू 308। तो यहाँ से हो जाएगा, हमें मिल जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जो नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 308 में, 308 इंटू 7 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 22 इंटू 14। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर सारा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, फिर उसको नीचे लाकर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। आप लोग ऐसा ना क्या करें, डायरेक्ट आप मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करिए। ओके, बहुत सिंपल ये तरीका है। तो अब यहाँ पर 7 से कटा सकते हैं, 7 1 7 7 2 14, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 1 2, और ये कटेगा 308 2 1 2, 1 5 10 2 5 6 10 और 2 4 8। अब 22 कटाएंगे 11 से, 11 2 22, और ये कटाएंगे 11 से, तो 11 1 11, 4 5 44 हो गया, और 11 4 44, सो 2 2, फिर 2 7, सो वी हैव गेट ओनली 7। सो हियर इज आर इजक्वल टू 7 क्या सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। सो फर्स्ट का जो आंसर है वो है 7 सेंटीमीटर। अब करके करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पूछा है, तो सेकेंड करेंगे अब, तो सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था पाई आर एल प्लस आर होता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया और सर्कुलर जो रीजन, जो सर्कुलर बेस होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो पाई आर एल प्लस आर बन जाता है। ओके, तो हमें यही निकालना है। तो इक्वल टू हो जाएगा, पाई की वैल्यू लिखेंगे तो 22/7 होगा, और R की जो वैल्यू होती है वो 7 दिया हुआ है, हमने निकाला भी, और L की वैल्यू 14 दिया हुआ है और प्लस 7 रेडियस, तो यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो गया, और ये बचा हमारा 22 × 14 + 7 मीन्स 21। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 और 3 2 6 और 2 2 4, 462 होगा, और ये कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया। ओके, तो दिस विल बी द सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे आई होप दैट आपको अच्छा लगा होगा, और कृपया करके आप लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा तो, और यदि आपको कोई भी बुरा लगा या फिर ख़राब लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपकी जो भी मतलब परेशानियाँ हैं, मैं उसको सॉल्व करने के लिए या अपने वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।